वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड किचन विद मी। और आज हम बनाएंगे आलू भरवा, हरी मिर्च बड़ी भरवा, मिर्च के पकौड़े या फिर बड़े, और साथ में बनाएंगे खट्टी मीठी आम की चटनी और हरी चटनी। बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़े बनाने। बड़े सबसे पहले हम डालेंगे धनिया, लेंगे फूल मिर्चियाँ, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, और हमारे पास सूखा पुदीना है इसलिए हम सूखे पुदीने का यूज कर रहे हैं, आप फ्रेश पुदीने का यूज करिए। थोड़ा सा डालेंगे दही, और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और सभी चीजों को पीस लेंगे। ये देखिए मेरी चटनी पीस कर रेडी हो गई है, अब हम बनाएंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए हम सूखे आम का यूज करेंगे, सूखे आम की कलियों को हमने भिगो कर रख दिया था, अब इसको उसका पल्प निकाल लिया है, अब इसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब डालेंगे चीनी, फोर स्पून चीनी डाला है, डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मिर्ची, लाल मिर्च, और इसको पीस लेंगे, थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। ये देखिए आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी हो गई है, हमने पीस ली है, ये देखिए रेडी है। हम लेंगे बेसन, बेसन में डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी लेंगे अजवाइन, उसको हाथ से क्रश करके इसमें मिला देंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह का पेस्ट हम तैयार कर लेंगे, अब इस पेस्ट को साइड में रखें, स्टफिंग तैयार करेंगे। ये देखिए हमने कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा हो गया, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नींबू और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, अब डालेंगे उबले हुए मैश किए हुए आलू, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया, और इसको भी मिला लेंगे। स्टफिंग ठंडी होने पर फिल करेंगे। अब ये लेंगे बड़ी वाली हरी वाली मिर्ची, मोटी वाली, और इसको बीच से यहाँ से कट लगा देंगे, ऐसे एक साइड ही कट लगाएंगे इस तरह से, कट लगा देंगे बीच से, खोल के इसके अंदर के सारे बीज बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से सारी मिर्चियों को हम चीर लेंगे। अगर आप चाहें तो बीज निकालिए, ना चाहें तो ना निकालिए, जिसको ज्यादा कड़वा खाना पसंद है वो मिर्ची के बीज ना निकाले, और जिसको नहीं पसंद है ज्यादा कड़वा तो सारी मिर्चियों के बीज को बाहर निकाल लें। इस तरह से ये देखिए हमने बीज निकाल लिए, एक आधा रह जाता है तो सारे बीज
काट लेंगे। इसी तरह से सारे मिर्चों को चीर कर तैयार कर लेंगे। ठीक है, हम इस टमाटर को मिर्चों के बीच में ऐसे और डंठल को ऐसे ही उसकी टेल को पकड़ के ऐसे इसमें पानी डाल दो और इसके धीरे धीरे ऑयल डालते हुए मिर्चियों पे इसको अच्छे से फ्राई करना। ये देखिए, हमने सारी मिर्चियां तलकर निकाल ली है फ्राई करके। अब इन्हें हम सर्व करेंगे मीठी या कड़वी चटनी के साथ, ग्रीन वाली, आप जिसके भी साथ चाहेंगे। जो दो चटनियां बनाई हैं दोनों के साथ आप इसे खा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरा थैंक यू।